महाभारत में आपने अश्वत्थामा का जिक्र तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म किस तरह हुआ, उनके जन्म के पीछे का रहस्य क्या है और उनका नाम अश्वत्थामा कैसे पड़ा? तो आइए आज आपको इस कथा के जरिए इन सवालों के जवाब बताते हैं। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उनके जन्म की पौराणिक कथा बेहद रोचक है। महाभारत युद्ध से पहले गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण कर रहे थे। वे हिमालय पहुँचे और वहाँ तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर शिवलिंग के सामने उन्होंने तप किया। शिवजी उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिला। कुछ वक्त बाद द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी ने सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब अश्वत्थामा जन्मे तब रोते वक्त उनके मुख से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आने लगी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक अमूल्य मणि थी, जो कि दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग की मणि की तरह दिखाई देती थी। एक युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे 6000 सालों तक बेसहारा बनकर घूमेंगे और उन्हें कोई भोजन तक नहीं देगा। उसके बाद उनके सर से वह मणि भगवान श्री कृष्ण ने वापस ले ली। शिव महापुराण के मुताबिक अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह गंगा नदी के किनारे निवास करते हैं, किंतु असलियत में उनका निवास कहां पर है इसका कोई भी जिक्र कहीं पर भी नहीं है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।